हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आया हूँ। एक एक वर्ड को आपको समझाऊंगा और एक एक वर्ड मीनिंग आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एडवेंचर एंड एवल। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, एंड मतलब और, एवल का मतलब होता है बुराई। राइट, आइए स्टोरी पढ़ते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो भी बता सकती हैं। दिस दिस का मतलब होता है यह है, इज मतलब है, ए मतलब एक, स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी मतलब कहानी, यह एक कहानी है। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, कुछ भी लगा सकते हो। ऑफ की, टू मतलब दो, मैन मैन मतलब आदमी। राइट, अब देखो यहाँ पे एक चीज पहचानने वाली, अगर एम ए एन आता है तो इसका मतलब होता है एक आदमी। राइट, एम ई एन आया है तो मतलब दो आदमी या फिर बहुवचन। हु जो, अगर हु सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसका अर्थ लगाते हैं जो, वरना इसका अर्थ होता है कौन। हु जो हैड, अब हैड का मतलब होता है रखते थे या थी। राइट, हु जो हैड रखते थे, रखते थे या फिर थी, क्या थी। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट का मतलब क्या होता है विपरीत। क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब होता है गुण, क्या होता है गुण। क्वालिटीज मतलब दो ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी जो क्वालिटीज थी वो विपरीत थी, अलग अलग थी। वन, वन हैड पॉजिटिव क्वालिटीज, वन एक हैड पॉजिटिव, हैड रखता था, रखता था पॉजिटिव क्वालिटी। पॉजिटिव क्वालिटी का मतलब होता है सकारात्मक गुण, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सकारात्मक। राइट, हिंदी में अगर कोई मिस्टेक हो आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप ज्यादा फोकस करें। क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब वही गुण। एक के पास क्या थी, सकारात्मक गुण थे, सकारात्मक क्वालिटी थी। देखो हेड का मतलब होता है रखता था, रखती थी। मेरे पास एक पेन है, पेन था, सॉरी पास्ट में यूज करते हैं तो हेड का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट में बात होगी तो हम हैव का यूज करेंगे। एंड और, एंड और, द अदर दूसरा, दूसरा हैड रखता था, रखता था या थी, आप दोनों यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। नेगेटिव क्वालिटीज, नकारात्मक, नकारात्मक गुण, नकारात्मक गुण। वंस एक बार, एक बार, दे बे हैड टू ट्रेवल, हैड टू, अब देखो हैड के साथ टू आया है, अगर हैज, हैव या हैड इन तीनों के साथ अगर टू आता है तो कर्ता की मजबूरी प्रकट होती है कि उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। राइट, तो दे हैड टू ट्रेवल, उन्हें जाना पड़ा, पास्ट की बात है, पड़ा, अगर हैव होता तो पड़ता, बे उनको या उन्हें पड़ा टू ट्रेवल, टू ट्रेवल यात्रा, यात्रा करना, उन्हें यात्रा करना पड़ा या फिर उन्हें यात्रा करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। एक्रोस, एक्रोस का मतलब होता है पार। राइट, क्या होता है पार, पार, अ वास्ट डिजर्ट एंड गो टू अ फार अवे प्लेस इन सर्च ऑफ वेल्थ, ध्यान से समझना। उन्हें यात्रा करनी पड़ी, एक्रोस पार करनी पड़ी, किसके पार करनी पड़ी, अ वास्ट डिजर्ट, अ वास्ट डिजर्ट का मतलब होता है एक विशाल डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। उन्हें एक यात्रा करनी पड़ी एक बड़े से रेगिस्तान की। एंड और, एंड और, गो टू जाना, गए या फिर जाना पड़ा, ए एक, फार का मतलब होता है बहुत, बहुत अवे दूर, और उन्हें बहुत दूर जाना पड़ा। आप एक यहां से आप हटा सकते हो क्योंकि लैंग्वेज में ऐड नहीं हो रहा है, तो दो व्यक्ति थे, उन्हें एक बार एक बहुत बड़े रेगिस्तान को पार करके दूर जाना पड़ा, अवे प्लेस एक स्थान पे जाना पड़ा। राइट, एक स्थान पे जाना पड़ा। इन में, किसमें, सर्च ऑफ वेल्थ, सर्च का मतलब होता है खोज या फिर आप लगा सकते हैं तलाश। राइट, क्या लगा सकते हैं, तलाश। वो गए किसमें, ऑफ की वेल्थ,
वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, राइट? आप धन ऐड कर सकते हो, राइट? आप संपत्ति ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो उन्हें धन की तलाश में, वेल्थ की तलाश में उन्हें जाना पड़ा। द डेजर्ट, जो डेजर्ट था, रेगिस्तान, रेगिस्तान वॉज था वेरी, बहुत बहुत वाइल्ड एंड ड्राई, राइट? वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। कैसा था? जो रेगिस्तान था वो बहुत जंगली था एंड और सूखा। और कैसा था? सूखा था। इन एडिशन डिकॉर्ड्स, इन एडिशन के मतलब होता है, आप इस पार्ट को याद रखो हमेशा, इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, राइट? इन एडिशन, इसके अलावा, डिकॉट्स, डिकॉट्स का मतलब होता है डाकू। क्या होता है? डाकू। डाकू भी थे उसमें, थ्रिप्ड इन दैट एरिया। अब थ्रिप्ड का मतलब क्या होता है? थ्रिप्ड का मतलब होता है पनपते थे, पनपते थे। इसके अलावा डाकू भी वहां पनपते थे, इन मतलब में दैट एरिया, उस जगह पे। एरिया का मतलब हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, राइट? क्षेत्र में। इसके अलावा उस क्षेत्र में डाकू भी पनपते थे। दे यूज टू, दे यूज्ड का मतलब होता है प्रयोग करते, प्रयोग करते करते द डिजर्ट, रेगिस्तान को, रेगिस्तान का, एज अ नाइक हाइडिंग, एज जैसे एक नाइक हाइडिंग, नाइक हाइडिंग, नाइस, सॉरी नाइक नहीं, नाइस, नाइस हाइडिंग, नाइस हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है अच्छी जगह छिपने के लिए, अच्छी जगह छिपने के लिए, छिपने के लिए, राइट? ध्यान से समझो, जो डाकू थे वो उस रेगिस्तान का यूज करते थे। क्या करते थे? उसका यूज करते थे किसके लिए? अच्छी जगह छिपने के लिए, क्योंकि वहां पे जगह अच्छी थी तो वो छिपने के लिए उस रेगिस्तान का यूज करते थे। उस वन विद नेगेटिव क्वालिटीज, द वन एक, या फिर वो विद जो साथ में था, नेगेटिव क्वालिटीज, नकारात्मक, नकारात्मक गुण वाला, जो नकारात्मक गुण के साथ था, वॉज था वेरी, बहुत हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, राइट? तो हेस्टी टू क्रॉस, इस पूरे का मतलब होगा जल्दबाजी पार करने में, या उसे जल्दी थी, उसे जल्दबाजी थी टू क्रॉस, पार करने की, पार करने की। जो नेगेटिव क्वालिटीज वाला व्यक्ति था उसे क्या था? उसे बहुत जल्दबाजी थी उस रेगिस्तान को पार करने की, द डिजर्ट, रेगिस्तान को, रेगिस्तान को, राइट? ऑल्सो ही वॉन्टेड टू रीच द फेयर वे प्लेस बिफोर द अदर कुड रीच, सो दैट ही कैन अर्न ऑल द वेल्थ, राइट? ध्यान से समझो, ऑल्सो भी ही, वह वॉन्टेड टू रीच, चाहता था, चाहता, सॉरी, चाहता था, ईडी आया है तो हमारी थर्ड फॉर्म है, पास्ट में आ गया। चाहता था टू रीच, पहुंचना, पहुंचना चाहता था द फार वे, राइट? फार वे का मतलब क्या होता है? प्लेस, फार वे प्लेस। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, फार वे का मतलब होता है दूर की जगह, दूर की जगह। मतलब वो ये भी चाहता था कि वो जो दूर की जगह है वो दूर की जगह पे पहुंच जाए, बी फॉर पहले, द अदर दूसरे से, दूसरे से, कुड रीच, कुछ कुड रीच, सो दैट कुड सके, रीच पहुंच सके, सो दैट इसलिए, इसलिए। अब यहां तक ध्यान से समझ लो, जो नेगेटिव क्वालिटीज वाला व्यक्ति था वो दूर की जगह पे पहले पहुंचना चाहता था, ताकि ताकि द अदर कुड रीच सो दैट, ताकि दूसरा वहां ना पहुंच सके, उससे पहले वो वहां पहुंचना चाहता था। और किस लिए चाहता था? सो दैट, इसलिए, ही
ही वह कैन अर्न, कैन का मतलब होता है सके या सकता, सहे, अर्न इकट्ठा कर सके या कमा सके, अर्न का मतलब कमाना भी होता है और इकट्ठा करना भी होता है। ऑल द वेल्थ, ऑल द वेल्थ का मतलब होता है सारी दौलत, राइट। आप दौलत कह दो, संपत्ति कह दो, धन कह दो, राइट, तीनों चीजों में आ जाती है, धन दौलत संपत्ति वेल्थ, राइट। विदाउट मच थिंकिंग, बिना बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा सोचे स्टार्टेड लगा। अब यहां तक ध्यान से समझ लो, मतलब वो पहले वाले से पहले पहुंचना चाहता था, कोई दूसरा ना पहुंच जाए, और बाकी सारी दौलत वो क्या कर ले, अपने बना ले, उसे इकट्ठा कर ले। विदाउट मच थिंकिंग, बिना ज्यादा सोचे ही स्टार्टेड, वो लगा टू क्रॉस, पार करने लगा, पार करने लगा द डिजर्ट, रेगिस्तान को, रेगिस्तान को, राइट। ही डिडंट केयर, ही वह डिडंट केयर टू टेक हीड ऑफ द सिचुएशन, वह परवाह नहीं करता, नहीं की, उसने परवाह नहीं की, डिडंट आया है, डजंट आता तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लगाते, अब डिडंट आया है मतलब पास्ट है, वह परवाह नहीं की या उसने परवाह नहीं की, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आप यहाँ पे उसने कर सकते हो, उसने परवाह नहीं की। टू टेक हीड ऑफ द सिचुएशन, टू टेक हीड का मतलब होता है ध्यान रखे, ध्यान रखे ऑफ द सिचुएशन, ऑफ की सिचुएशन स्थिति की, कि वो स्थिति की क्या रखे, ध्यान रखे इस बात की उसने कोई परवाह नहीं की, मतलब उसने नहीं सोचा आगे क्या होगा, इस चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं, स्थिति की उसने कोई परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ गया। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ही वह वॉज काउट पकड़ा गया, राइट, बाय द डिकॉट्स, बाय द्वारा, किसके द्वारा पकड़ा गया, द डिकॉट, डाकुओं के द्वारा, डाकुओं के द्वारा वो पकड़ा गया। एंड और प्लंडर्ड, प्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, लूटा, प्लंडर्ड, प्लंडर्ड का मतलब होता है लूटा गया, और उसे क्या हुआ, लूटा गया, ईडी लगी है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो क्या था, वो जल्दबाजी था इसलिए डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे लूट लिया। ही वह लॉस्ट ऑल हिज अर्निंग, ही उसने या वह, लॉस्ट का मतलब होता है खो दी, खो दी, ऑल सभी हिज अपनी अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, जो उसने कमाई की थी, जो उसने इकट्ठा किया था, वो सारी उसने खो दी, किसने खो दी, जो नेगेटिव क्वालिटी वाला व्यक्ति था, राइट। ऑन द अदर, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ, अदर मतलब दूसरी, हैंड का मतलब लगाते हैं दूसरा हाथ, जैसे दो हाथ होते हैं तो दूसरी तरफ, द वन वह या वो विद पॉजिटिव क्वालिटी, विद जो साथ में था, पॉजिटिव सकारात्मक, जो सकारात्मक क्वालिटी या फिर थॉट विचार, जो सकारात्मक विचारों के साथ था, या द वन जो सकारात्मक विचारों के साथ था, टुक मच केयर इन प्रिपेयरिंग हिज दिस जर्नी, टुक मच केयर, टुक मच केयर का मतलब क्या होता है, उसने बहुत सावधानी बरती, बहुत सावधानी बरती, अब मैं बताता हूँ, राइट। मच का मतलब होता है बहुत, टुक का मतलब होता है उसने ली या बरती, केयर मतलब सावधानी, इन में किस में, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तैयारी में, राइट, किस में, तैयारी में, दिस जर्नी, दिस इस जर्नी यात्रा में, इस यात्रा में उसने बहुत तैयारी या सावधानी बरती। ही वह चुक लिया, उसने लिया या वह लिया, ठीक है, लिया प्लेंटी ऑफ प्रोटेक्शन, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारी
प्रोटेक्शन, बहुत सारी सुरक्षा, सुरक्षा उसने काफी सुरक्षा ली, या फिर प्रोटेक्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी या सुरक्षा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ही वह क्रॉस्ड क्या किया, पार किया, उसने क्या कर लिया, पार कर लिया द डिजर्ट, किसको पार कर लिया, रेगिस्तान को, रेगिस्तान को, वह रेगिस्तान को पार कर गया। सेफली एंड रीज्ड, सेफली का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित रूप से वो रेगिस्तान को पार कर गया। एंड और रीज्ड, पहुंचा द फार अवे प्लेस, द फार अवे प्लेस, फार अवे का मतलब मैंने पीछे बताया था दूर के स्थान पे, राइट। देयर ही लिव्ड हैप्पली एंड एवर एवर आफ्टर, राइट। देयर जहां पे ही वह लिव्ड रहा हैप्पली, एवर आफ्टर बाद में, और वहां पे वो अच्छी जगह पे आराम से वो खुशी खुशी रहा, राइट। तो थिंक गुड, अच्छा सोचो, एंड डू गुड, डू करो गुड अच्छा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते।